नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान पर हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने इस हमले में पांचवें आरोपी को हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम जॉनी वाल्मीकि है। इससे पहले पुलिस ने अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले चार आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने पांचवें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सलमान की हत्या की साजिश में नया पर्दाफाश। लॉरेंस और संपत नेहरा गैंग की बड़ी साजिश नाकाम। 70 गुर्गों ने रखी थी सलमान खान पर नजर। 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने बाइक पर सवार दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लोगों को लगा कि सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले पकड़े गए, लेकिन 1.5 महीने बाद चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। क्या है पूरी कहानी? आखिर सलमान खान की जान के दुश्मन कौन है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले जहन में दो नाम याद रखिए, लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग। नवी मुंबई पुलिस के मुताबिक इन दोनों गैंग के 60 से 70 गुर्गे सलमान खान की जान के दुश्मन बने हुए थे। इस गैंग के गुर्गे मुंबई, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे और गुजरात से आए थे और लगातार सलमान खान पर नजर रख रहे थे। इनमें से एक टीम मुंबई जबकि दूसरी टीम नवी मुंबई में काम कर रही थी। और ये पर्दाफाश हुआ सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद। एक दिन पहले पुलिस ने चार लोगों को पकड़ा था जो पनवेल के अलग अलग इलाके में रह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अभी गिरफ्तार हुए आरोपी और 14 अप्रैल को जो शूटर गिरफ्तार हुए थे उनके बीच कोई संबंध नहीं है। दो अलग अलग टीम सलमान खान की जान की दुश्मन बनी हुई थी और दोनों टीम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होकर काम कर रहे थे। हम लोगों ने हमारे कुछ इन्फॉर्मर और हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स जिनको ये लोगों का जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स है उनमें हम लोगों ने इनको इसमें इन्फिल्ट्रेट किया। उसके बाद ये हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिली कि इसमें काफ़ी दम है और इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करने जैसे है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो चार आरोपी हैं उनको एक हैदराबाद से, एक बैंगलोर से, एक संभाजीनगर से इनको अरेस्ट किया। इनको अरेस्ट करने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की हत्या की पूरी साजिश तैयार कर ली थी। सलमान खान की हत्या के लिए लॉरेंस गैंग ने कई ग्रुप बनाए। इस गैंग के गुर्गों ने सलमान के घर और फार्म हाउस की रेकी की। इस गैंग के शूटर गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी से भी संपर्क में थे। पुलिस का दावा है कि उनके पास सलमान की हत्या की साजिश के पुख्ता सबूत है। जो गुर्गे इस गैंग से जुड़े थे उन्हें अजय कश्यप नाम का आरोपी कोऑर्डिनेट कर रहा था। पुलिस ने पनवेल से जिन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें अजय कश्यप भी गिरफ्तार हुआ है। हत्या की साजिश में पाकिस्तान का भी एंगल सामने आया है। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। सलमान खान की हत्या के लिए लॉरेंस गैंग ने बहुत बड़ा प्लान तैयार किया था। सूत्रों के मुताबिक सलमान की हत्या के लिए लॉरेंस गैंग के शूटरों ने न सिर्फ कई जगह रेकी बल्कि पाकिस्तान से हथियार की भी डील की थी। आखिर सलमान की हत्या का पूरा प्लान क्या था, आपको बताते हैं। सलमान खान की हत्या की साजिश सामने आया, पाकिस्तान कनेक्शन। नाबालिग शूटर का करते इस्तेमाल। AK-47 से सलमान का सीना छलनी करते। आपके टीवी स्क्रीन पर पांच शार्प शूटर हैं, धनंजय उर्फ अजय कश्यप, संदीप बिश्नोई उर्फ गौरव भाटिया, वापसी खान उर्फ वसीम चिकना, जीशान खान उर्फ जावेद खान, दीपक हवा सिंह उर्फ जॉनी वाल्मीकि। ये पांचों अब नवी मुंबई पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन यही वो शूटर हैं जो सलमान खान की जान लेना चाहते थे और इनके पीछे है लॉरेंस और संपत नेहरा गैंग। अब आपको बताते हैं कि इन शूटरों ने सलमान खान की हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए क्या प्लान तैयार किया था।
धनंजय उर्फ अजय कश्यप पाकिस्तान से हथियारों की डिलीवरी करवाने में लगा हुआ था। हथियारों की डील के लिए अजय कश्यप ने पाकिस्तान में बैठे डोगर नाम के दो आदमी से बात की थी। इस दौरान डोगर ने वीडियो कॉल पर अजय कश्यप को AK-47 समेत कई हथियार भी दिखाए। इसमें एक और अहम किरदार सुखा शूटर का नाम भी सामने आया। लॉरेंस गैंग का सुखा शूटर अजय कश्यप के संपर्क में था। सुखा शूटर सीधे अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था और इस तरह लॉरेंस गैंग ने सलमान की हत्या की साजिश के लिए पूरा जाल बिछाया था। गैंग का एक मेंबर रेकी कर रहा था तो दूसरा हथियारों की जुगाड़ में लगा हुआ था। अच्छी बात है कि ये इंफॉर्मेशन लोगों को मिली और हम इसको उनको जो प्लान है प्लान रिलीज करने का क्योंकि उनके पास में इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ फोटोज और वीडियोज मिले है, उनमें वेपन्स जो है वो दिख रहे हैं लेकिन उन्होंने इसे सीज नहीं किया अभी तक, लेकिन और भी कुछ लोग जो बाहर है उनके पास ऐसे होने की संभावना है। बताया जा रहा था कि सलमान की हत्या करने के लिए सुखा शूटर और अजय कश्यप में कई बार बात हुई थी। इस दौरान अजय कश्यप ने सलमान को बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही हमले का प्लान भी तैयार किया और यही वजह है कि अजय कश्यप और उसके गुर्गों ने सलमान के फार्म हाउस से लेकर मुंबई वाले घर तक रेकी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने सलमान खान की हत्या के लिए नाबालिग शूटर के इस्तेमाल की भी योजना बनाई थी। लॉरेंस गैंग का प्लान था कि अगर शूटर नाबालिग होता तो उसे ज्यादा सजा नहीं होती। प्लान ये भी था कि सलमान खान को मारने के बाद शूटरों को पनवेल से भगाकर सीधे कन्याकुमारी पहुंचाना था और कन्याकुमारी से शूटरों को अनमोल बिश्नोई सीधे श्रीलंका भेजने वाला था और फिर श्रीलंका से शूटरों को दूसरे देश भेजा जाता। सलमान के घर हुई फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई मुख्य आरोपी हैं। इसके अलावा गोल्डी बराड, रोहित गोदारा, संपत नेहरा समेत 18 आरोपियों के नाम हैं। खबर सूरजपुर से आ रही है जहां लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। ज्वेलर्स की दुकान से 25 लाख की चोरी की गई है। करीब 20 लाख के जेवर और 5 लाख कैश चोरी हुई है। भैया थान रोड पर ज्वेलर की दुकान से चोरी हुई है और ऐसे में अब इसको लेकर जांच पड़ताल। देखिए ताला तोड़कर चोरी की गई, 25 लाख की चोरी। ज्वेलरी की दुकान और सूरजपुर का ये मामला बताया जा रहा है और 25 लाख की चोरी। चोर कौन थे, कहां से आए थे, अब इसमें जांच पड़ताल हो रही है। और आप देखिए आधा से ज़्यादा शोरूम ही खाली हो चुका है। 25 लाख की चोरी की गई है। बड़े शातिराना अंदाज में चोरों ने यहां पर दस्तक दी और फिर चोरी कर ज्वेलरीज चोर फरार हो गए। वरुण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है, क्या पता चल सका है, चोर कौन थे, कैसे आए, कितनी चोरी हुई है? जी देखिए, ये नगर पालिका सूरजपुर के भैया थान रोड की ये ज्वेलर दुकान की घटना है और एक बड़ी वारदात है जहां चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है और लगभग जो है 20 लाख के जेवरात और 5 लाख नकदी ले उड़े हैं और जिस तरह ताला तोड़ के घुसा गया और चोर जिस तरह से पहले बाहर के जो सीसीटीवी कैमरा थे उसको डिस्ट्रॉय किया उसके अंदर में, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसमें 3 लोग नजर आ रहे हैं जिनमें सभी अपने चेहरे को बांधे हुए थे, नकाबपोश थे और ये बड़ी घटना को अंजाम दिया कि ये 2 लॉकर को उन्होंने तोड़ा जिसमें एक लॉकर से जेवरात और एक में जो नगदी कैश रखा हुआ था उसे पार कर गया। तो लिहाजा जो डॉग स्क्वाड की टीम है और कोतवाली पुलिस है मौके पर पहुंच के अब जांच में जुटी हुई है और किस तरह से चोरों के सुराग लगा पाती है और उन तक पहुंच पाती है ये तो अब देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वरुण। इंदौर में नशे में धुत कार चालक ने सिग्नल पर खड़ी कार को टक्कर मार दी। कार सवार 2 युवतियों को चोट आई है, अस्पताल में दोनों को भर्ती किया गया है। कार में 2 युवक भी सवार थे, सभी पार्टी कर पब से लौट रहे थे। विजयनगर थाना क्षेत्र की ये घटना है और यहाँ पर सिग्नल पर खड़ी कार को दूसरी कार ने टक्कर मार दी। कार में 2 युवक भी सवार थे, 2 युवती भी थी और ये पब से पार्टी करके लौट रहे थे और इसी बीच यहाँ पर हादसा देखने को मिला। और कार की ये तस्वीर देखिए बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। एक कार पहले से ही खड़ी थी यहाँ पर लेकिन पीछे से दूसरी कार आई और उसने ऐसा जोरदार टक्कर मारा कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कार में 2 युवक भी सवार थे, पार्टी कर पब से लौट रहे थे कार सवार। सिग्नल पर ही खड़ी थी कार जिसमें कि टक्कर मारी गई और कार के पर खच्चे उड़ गए हैं। कार की ये तस्वीर आप देखिए कि वाकई में काफ़ी खतरनाक यह हादसा। हालांकि जान बच गई, जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। आसपास के लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर ली वहां पर और फौरन बाहर निकाला गया कार में जो भी लोग सवार थे। अपने आप में ये बहुत चौंका देने वाली चीज़ कि
किस तरीके से, एक तो ये मांग होती है कि सड़कें नहीं हैं, व्यवस्थाएं नहीं हैं, और जब सड़क अच्छे बना दिए जाते हैं तो रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये कैसे ये एक्सीडेंट पूरा हुआ और क्या आप सब ठीक हैं? अंशिका, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। अगर मिनी मुंबई की बात करें तो वीकेंड में अक्सर इस तरीके की तस्वीर अब सामने आ रही है। सैटरडे और संडे के दिन अधिकांश इस तरीके के एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं, और कल भी एक एक्सीडेंट मामला सामने आया जिसमें जो कार चालक पूरी तरीके से नशे में धुत थे, होश बिल्कुल नहीं था, तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे और सिग्नल पे खड़ी गाड़ी को पीछे से ठोक दिया, यानी तेज रफ्तार गाड़ी सिग्नल पे खड़ी गाड़ी के पीछे जा घुसी। युवतियां, जो दो लड़कियां हैं वो पीछे बैठी थी, उनके सिर में चोट आई है, इस वक्त निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। और गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी में टक्कर मारने के बाद में वो अनियंत्रित होकर पास वाले डिवाइडर में भी जा घुसती है। क्रेन की मदद से वहां से गाड़ी को हटाया जाता है। गाड़ी इस वक्त थाने पे खड़ी है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो पूरा हादसा हुआ है वो नशे की वजह से हुआ है। और अक्सर नशे में इंदौर में इस तरीके के एक्सीडेंट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पब बार रेस्टोरेंट से लोग नशे में निकलते हैं और तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है ड्रिंक ड्राइव लगातार केस बना रही है। रात को वो इंदौर की जो पुलिस है अलग अलग बैरिकेड लगाकर काफी सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती है। सैटरडे और संडे के दिन बहुत ज्यादातर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी देखने को मिलती है। ड्रिंक एंड ड्राइव के लगातार बड़े केस भी सामने आने देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हादसे नहीं थम रहे और हादसे की जो वजह है वो नशे की है। नशे के हालात में युवा तेज गाड़ी चला रहे हैं जिसकी वजह से बड़े हादसे भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। खबर झाबुआ की, जहां बैराज का गेट खुलने से लाखों लीटर पानी बह गया है। मुक्ति धाम के पास के बैराज का गेट खुलने से पानी बहा है। अज्ञात व्यक्ति ने बैराज का गेट खोल दिया। मछली पकड़ने के लिए नदी में जमघट लगा हुआ है अब, और इसके साथ ही जल संसाधन विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। जल संसाधन विभाग अब जांच में जुटा हुआ है। मछली पकड़ने के लिए नदी में जमघट लगा दिया गया है, झाबुआ का यह मामला बताया जा रहा है। मुक्तिधाम के पास बैराज का गेट जो है वो खुलने से लाखों लीटर पानी बहा है। मुक्तिधाम के पास के बैराज का गेट खुला, अज्ञात व्यक्ति ने बैराज का गेट खोला। सवाल तो ये कि इतने बड़े बैराज में अज्ञात व्यक्ति आके कैसे गेट खोला? अब मछली पकड़ने के लिए नदी में जमघट है, लोग इतने ज्यादा इकट्ठा हो गए हैं मछली पकड़ने के लिए ही, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जल संसाधन विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसने बैराज का गेट खोल दिया, और इतने सारे लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर भी जांच चल रही है। क्या ये किसी की शैतानी है, कौन है ये शरारती तत्व गेट खोलने से, क्योंकि लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया, ऐसे में जांच शुरू कर दी गई है। खबर मुरैना से, जहां आदतन अपराधियों के घर बुलडोजर चला है। शराब ठेके पर फायरिंग करने का यह पूरा मामला है, और फायरिंग के तीन आरोपियों के मकान तोड़ दिए गए हैं। तीनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ठेके से फ्री में शराब नहीं मिलने पर इन्होंने फायरिंग की थी और दबंगई दिखा रहे थे। हाथी गड्ढा रोड शराब ठेके पर इन्होंने फायरिंग की थी, और अब देखिए बुलडोजर का एक्शन। आदतन अपराधी है ये, और समय समय पर ये दहशत फैलाने का कार्य करते थे, लेकिन ये जवाब उनके लिए है। बुलडोजर चला है अपराधियों के घर पर, शराब के ठेके पर इन्होंने फायरिंग की थी। फायरिंग के तीन आरोपियों के मकान तोड़ दिए गए। तीनों ही आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, और ठेके से फ्री में शराब नहीं मिली थी तो इन्होंने फायरिंग की थी और दहशत फैलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये मुंह तोड़ जवाब दबंगई का। नीमच में अवैध खनन रोकने पर सरपंच के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, और मामला नीमच सिटी थाना क्षेत्र के थड़ाउली ग्राम पंचायत का है। आरोपों के मुताबिक हनुमंतिया रोड पर स्थित अमृत सरोवर तालाब का है, जहां रेत माफिया 2 JCB और 10 ट्रैक्टर की मदद से अवैध खनन कर तालाब का बांध तोड़ रहे हैं।
मामले की सूचना मिलते ही थड़ौली ग्राम पंचायत के सरपंच गोपाल मीणा मौके पर पहुंचे और अवैध खनन रोकने की कोशिश की। सरपंच का आरोप है कि खनन कर रहे 20 लोगों ने उनके साथ मारपीट की है और सरपंच गोपाल मीणा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी झटका दिया है। दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर इजाफा किया है। आज से नई दरें लागू हो जाएंगी। मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध अब 68 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला है। तो इससे पहले अमूल ने जो है कीमतों में इजाफा किया और अब मदर डेयरी ने झटका दिया है। अब मदर डेयरी की भी दूध महंगी हो गई है। मदर डेयरी ने भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। आज से नई दरें लागू हो जाएंगी और अब जो है प्रति लीटर 68 रुपए मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध मिलेगा। तो अमूल से लेकर मदर डेयरी, अब अगर आप दूध खरीद रहे हैं तो थोड़ा उबाल आ गया है दूध में, क्योंकि कीमतों में खासतौर पर हम देखें तो कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं दूध की। प्रति लीटर 2 रुपये अमूल के साथ साथ मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।